गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल किंगडम की जो लास्ट क्लास है, क्लास मैमेलिया, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये जो किंगडम है आपका एनिमल किंगडम वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास है, फिर इसके बाद आपका नया चैप्टर वो स्टार्ट होगा। तो हम क्लास मैमेलिया के कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी वैसे आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ें इसमें से पहले ऑलरेडी पता भी होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को रीड करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्लास मैमेलिया, द मैमल्स, मैमल्स बोला जाता है इनको। और मैमल्स क्यों बोला जाता है इनको, उसके पीछे वजह है, और वो वजह है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये मैमल्स जो होते हैं इनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और फीमेल जो होती हैं उनमें ये मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती हैं और नरिशमेंट का काम करती हैं। जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उनको नरिशमेंट देती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्मिक भी होते हैं। होम्योथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। अब तक एनिमल किंगडम में जो हमने पढ़े हैं, जितने ग्रुप्स पढ़े हैं, फाइलम हो चाहे क्लास हो, ठीक है, उनमें से दो ही ग्रुप ऐसे हैं या हम कहें जो वार्म ब्लडेड होते हैं। एक तो बर्ड्स और एक मैमल्स, ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा बॉडी जो है, स्किन जो है, उस पर क्या है, एपिडर्मल हेयर है। ठीक है, स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे, एपिडर्मल हेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर तीन मेन करेक्टरिस्टिक हो गए इनके। एक तो ये होम्योथर्मिक हैं, स्किन पे एपिडर्मल हेयर हैं, मतलब बॉडी पे एपिडर्मल हेयर हैं। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो होती हैं। ऐसे मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में होती हैं, लेकिन मेल के अंदर जो है वो मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल जो है उसमें मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती हैं और मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जिससे यंग मस को नरिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस क्लास में, क्लास मैमेलिया के अंदर लगभग 4000 स्पीसीज है। ठीक है, लगभग कितनी है, 4000 स्पीसीज है क्लास मैमेलिया के अंदर। और ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद इस मैमेलिया क्लास के अंदर आता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद इस मैमेलिया क्लास में इंक्लूड है। इसके बाद इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम क्लास मैमेलिया के। तो जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट के। हैबिटेट जो है वो मैमल्स जो हैं वो सभी तरह के हैबिटेट में मिलते हैं। ठीक है, ऑल ओवर अर्थ जो हैं वो मैमल्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ की जितनी भी हैबिटेट्स हैं, जितनी भी जगह रहने वाली, उन सब जगह पर मैमल्स मिलेंगे। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डेजर्ट में भी मैमल्स मिलेंगे, फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे, पोलर रीजन है वहाँ पर भी मैमल्स प्रेजेंट हैं, ज़मीन जो है वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, पानी के अंदर भी हैं। ठीक है, बिलों के अंदर भी रहते हैं, इनसाइड बुरोज, ट्रीज़ पे भी हैं। ठीक है, माउंटेंस पे भी हैं, के गुफाएं जो होती हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, और कुछ जो होते हैं वो उड़ भी सकते हैं, फ्लाइंग इन द एयर उड़ भी सकते हैं। तो मैमल्स जो हैं वो अल्टी कहें कि सब जगह पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, किसी भी तरह का हैबिटेट हो, सब जगह पर मैमल्स जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद बेटा बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। तो बॉडी जो है बेटा वो चार पार्ट में डिवाइडेड है इनकी, चार रीजन्स में डिवाइडेड है बॉडी इनकी। वो है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, बॉडी के चार रीजन है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, इसके अलावा टेल जो है वो कहीं पर प्रेजेंट हो भी सकती है, मोस्टली प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर टेल नहीं होती, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वहाँ पर टेल नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं पर टेल जो है वो वेस्टिजियल भी है और एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अपेंडेजेस की हम बात करें, तो अपेंडेजेस के अंदर यहाँ पर टू पेयर पेंटाडेक्टाइल जॉइंट अपेंडेजेस हैं। ठीक है, टू पेयर पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, जिसमें फाइव डिजिट्स हों, एक लिम्ब्स जिसमें फाइव डिजिट हों, उनको हम क्या बोलते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब बोलते हैं। जॉइंट हैं, ठीक है, जॉइंट हैं यहाँ पर इसमें अपेंडेजेस के अंदर। तो जो अपेंडेजेस हैं यहाँ पर, जो लिम्ब्स हैं वो कौन कौन से, दो टाइप के हैं, फोर लिम्ब्स हैं और एक जो है वो हैं हाइंड लिम्ब्स। ठीक है, अब ये लिम्ब्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाइड हैं। कई तरह के फंक्शंस जो हैं वो लिम्ब्स कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें लिम्ब्स जो हैं वॉकिंग में हेल्प करते हैं,
रनिंग में भी हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग भी इनसे की जा होती है कहीं, ठीक है, स्विमिंग के लिए भी अडेप्टेड है कहीं पर, फ्लाइंग भी इनसे हो सकती है और बुरोविंग बिल भी इनसे बनाए जा सकते हैं। तो लिम्स जो हैं वो अलग अलग पर्पज़ में यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे हम, इसका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसमें हम स्किन की बात करेंगे। स्किन, तो स्किन जो है वो कैसी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बनी है। स्किन किससे बनी है भाई, याद रखेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बनी है, जिसमें जो आउटर सेल हैं उसकी, आउटर सेल्स क्या हैं, डेड हैं और कैरेटिनाइज्ड हैं, कैरेटिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पर। और आउटर सेल कैसे होंगे, डेड सेल्स होंगे और कैरेटिन प्रोटीन की कवरिंग वहाँ पर प्रेजेंट होगी, कवरिंग होगी कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है, जिससे स्किन जो है या कहें उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सीबेसियस या फिर ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो भी स्किन के अंदर या मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जिससे स्वेटिंग होगी और इस ग्लैंड्स के थ्रू जो कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट है, सॉल्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड्स जो हैं वो भी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो बॉडी को मॉइस्ट बना के रखेंगे, जिससे स्किन जो है वो ड्राई ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, वो मॉडिफाई भी हैं कहीं पर, स्वेट ग्लैंड में कुछ मॉडिफिकेशंस भी आई हुई हैं और उन मॉडिफिकेशन से बन जाती है सेरुमिनस और वैक्स ग्लैंड्स, ठीक है। उस स्वेट ग्लैंड से क्या मॉडिफाई हो चुका है, सेरुमिनस या वैक्स ग्लैंड भी बन गए हैं, ठीक है। ये सेरुमिनस और वैक्स ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रजेंट होते हैं, इन ईयर, ईयर के अंदर प्रजेंट होंगी। और इसके अलावा ये जो मेमोरी ग्लैंड हैं ये भी किसकी मॉडिफिकेशन है, इन स्वेट ग्लैंड्स की ही मॉडिफिकेशन है ये मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक्जोस्केलेटन की, एक्जोस्केलेटन कैसा होता है। तो एक्जोस्केलेटन जो है, ठीक है, उसमें हेयर हैं बॉडी पे, स्केल्स हैं, स्पाइंस हैं, क्लॉज हैं, हूव्स हैं और हॉर्न्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, मैमल्स जो क्लास है, मैमेलिया क्लास जो है उसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे, एनिमल जो होंगे उनमें हेयर भी हो सकते हैं, हेयर तो होते हैं, ठीक है, स्केल्स भी किसी में हो सकते हैं, स्पाइंस भी हो सकते हैं, क्लास भी हो सकते हैं लिम्स पे, डिजिट्स जो होंगे उनके एंड पे, और वहीं डिजिट्स जो टॉज डिजिट्स जो हैं वहाँ पर हूफ भी होंगे, और जो हेड जो है वहाँ पर हॉर्न भी हो सकते हैं, सींग भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या बनते हैं, एक्जोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है एंडोस्केलेटन। जब हम स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो एक्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं एंडोस्केलेटन कौन सा होगा इस मैमेलिया क्लास में। तो एंडोस्केलेटन जो है वो किस किस का बना है, बोन्स और कार्टिलेज का बना है, लेकिन मोस्टली मेन जो पार्ट है वो क्या है, बोन्स हैं भाई। एंडोस्केलेटन का जो मेन पार्ट है वो क्या है, बोन्स हैं। इसके अलावा बीच बीच में जगह जगह पर कार्टिलेजेस भी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो पोर्शन है, मेन जो पार्ट है वो क्या है, बोन्स हैं एंडोस्केलेटन का, और बीच बीच में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं जगह जगह, ठीक है। इसके अलावा भाई स्कल जो है इनका वो कैसा है, डाइकोंडाइलिक है, स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक है, यहाँ पर दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होंगे, टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है, क्या होंगे, दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, नेक्स्ट फीचर में हम देखते हैं बेटा मैमल्स की बॉडी में एक स्ट्रक्चर और होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो बॉडी के ट्रांसवर्स एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती है, और उस मस्कुलर पोर्शन, उस मस्कुलर पार्ट को हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। मैमल्स में क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये एक ट्रांसवर्स सर्कुलर पार्टीशन है, मसल्स का बना है, मस्कुलर है ये, ठीक है। डायफ्राम कैसा होता है, मस्कुलर होता है,
जो कि बॉडी जो है उसको इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। डायफ्राम जो है वो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इंटरनली, और वो दो पार्ट्स बनते हैं एब्डोमन और थोरैक्स। एक थोरैक्स होता है और एक होता है एब्डोमन इंटरनली। थोरैक्स जिसको हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, और एब्डोमन एब्डोमिनल कैविटी होगी जहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होगा, और इधर जो थोरैक्स रीजन होगा यहाँ पर लंग्स होंगे, ठीक है, हार्ट होगा, और यहीं से होते हुए फूड पाइप जो है वो स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। रिब्स यहाँ प्रेजेंट होंगे थोरैसिक रीजन के अंदर, थोरैक्स में। इसके बाद बेटा, और डायफ्राम जो है उसका रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डायफ्राम प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। डायफ्राम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डायफ्राम। इसके बाद बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कैसा है, कंप्लीट है। माउथ जो होगा वहाँ पर टीथ, और टीथ जो हैं मैमल्स में वो हेट्रोडोंट हैं, थीकोडोंट हैं और डाइफायोडोंट होते हैं, ठीक है। मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो हेट्रोडोंट, जिसमें चार टाइप के टीथ आते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है यहाँ पर, और डिफरेंट टाइप में यहाँ पर चार तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं हेट्रोडोंट में, ठीक है। तो ये हेट्रोडोंट जो टीथ होंगे उसमें चार तरह के टीथ होंगे भाई, ठीक है। एक होंगे इंसीजर, एक होंगे कैनाइन, एक होंगे प्रीमोलर और एक होंगे मोलर, ठीक है। तो हेट्रोडोंट मतलब जहाँ कई टाइप के टीथ हो, और यहाँ पर चार टाइप के टीथ होते हैं मैमल्स में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थीकोडोंट जिसमें टीथ जो हैं वो जो बोन के सॉकेट में एम्बेडेड हो, तो उन टीथ को क्या बोला जाता है, थीकोडोंट बोला जाता है। डाइफायडोंट टीथ जिसमें टीथ जो है वो दो बार आए अपनी लाइफ टाइम में, एक एनिमल की लाइफ टाइम में अगर टीथ दो बार आ रहे हैं तो उन टीथ को बोला जाता है डाइफायोडोंट, ठीक है। तो ये तो टीथ के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एनस में ओपन होती है, यहाँ पर क्लोइका नहीं है भाई, यहाँ पर क्या आ गया है, अब एनस आ गया है, ठीक है। और डाइजेशन जो होगा यहाँ वो कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सेल से बाहर, ठीक है, जो पैसेज है फूड का उसके अंदर डाइजेशन होगा, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हैं, लंग्स हैं, ठीक है, और कोई दूसरा ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो लंग्स जो यहाँ पर हैं वो वन पेयर में हैं, ठीक है। लंग्स कितने हैं, वन पेयर में है, और थोरेसिक कैविटी जो है वहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेक्स जो रीजन है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लंग्स के बाहर या लंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट होंगे, जिस जगह पर जिस कैविटी में वो प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोला जाता है, प्लूरल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलोम है वो अलग अलग कैविटीज़ में डिवाइडेड है, जैसे ये प्लूरल कैविटी आ गई है, फिर कार्डियक कैविटी आ जाएगी, कार्डियक रीजन आ जाएगा जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और लैरिंग्स या कहें जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड यहाँ पर कुछ डेवलप है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बर्ड्स की तरह पर ऑर्गन साइरिंग्स नहीं है, यहाँ पर जो लैरिंग्स है लैरिंग्स में क्या है, वोकल कॉर्ड है, और वही क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है मैमल्स का वो कितना चैम्बर है बेटा, फोर चैम्बर हार्ट है यहाँ पर, फोर चैम्बर हार्ट है मैमल्स में, इसमें दो ओरिकल और दो वेंट्रिकल है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल, तो दो ओरिकल और दो वेंट्रिकल होंगे, चारों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं लेकिन एक पॉइंट पर ये कनेक्टेड है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं लेकिन वैसे ये सेपरेट हैं एक दूसरे से, ठीक है। कहीं भी इनमें
ब्लड की जो मिक्सिंग है वो नहीं होती। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है फोर चैम्बर हार्ट का कि ब्लड मिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भाई ब्लड जो है उसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी जो है वो सर्कुलर और बाइकनकेव होती है यहाँ, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये पॉइंट आप याद रखें। अब तक आपने जो आरबीसीज पढ़ी हैं इस क्लास से पहले, मैमेलिया क्लास से पहले, आरबीसी जो आपने और क्लासेस में पढ़ी हैं वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन यहाँ पर आरबीसीज कैसे हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। लेकिन कैमल और अल्मा जो है, ललमा जो है, ठीक है, लामा जो है, उसमें आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। कैमल की जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। ये जो लामा है इसकी जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा बाकी जो है वो सब कैसे हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है। इसके अलावा भाई रीनल पोर्टल सिस्टम, यहाँ पर ये जो सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम जिसमें किडनी इन्वॉल्व है इस पोर्टल सिस्टम में, वो नहीं होता है मैमल्स के पास में। मैमल्स के पास में हिपैटिक और जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमल्स के पास में जो हाइपोफाइजियल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ब्लड कैसा होगा यहाँ पर, ब्लड रेड कलर होगा, ठीक है। और क्या होगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा यहाँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा इनके अंदर, ब्लड जो होगा उसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड नज़र आएगा। और हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ होता है, आरबीसीज के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ये हीमोग्लोबिन। इसके अलावा भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ठीक है, जिससे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से पास आउट किए जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है। किडनी कितने हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है। किडनी भी कितने हैं, वन पेयर हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, किडनी वन पेयर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आ गया है, जबकि बर्ड्स जो थे उनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट हो गया था, जो फ्लाइंग बर्ड्स थे उनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो क्या है, यूरिया है। यूरिया इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अलावा सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम जो है जो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, एनवायरनमेंट से मैसेज कंडक्ट करके और ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगा उसको, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सेंसरी सिस्टम जो है उसमें तीन पार्ट है, ईयर, एक तो सेंसरी सिस्टम में ईयर प्रेजेंट होगा, और ईयर जो है उसके तीन पार्ट होंगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। यहाँ पर तीन पार्ट हैं ईयर में, और एक्सटर्नल ईयर जो है वो बाहर ईयर पीना जो होता है वो नज़र आता है हमें, ठीक है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो दिखती है। इसके अलावा बेटा आईज़ हैं, आईज जो हैं यहाँ पर वो कैसे हैं, आईज़ के पास मूवेबल आई लिड्स होती है, ठीक है, जो आई लिड को मूव कर सकता है। तो ईयर हैं, आईज़ हैं, इसके अलावा ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम है, जो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, टंग जो है, टंग जो रीजन है जहाँ पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाँ टंग, सॉरी ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम जो है बेटा वो नोज़ जो है, ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम नोज जो है वहाँ प्रेजेंट होगा ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम, जो स्मेल को सेंस करेगा। इसके अलावा टंग जो है, टंग उस पर टेस्ट बर्ड्स हैं, और जो कि टेस्ट जो है, ठीक है, उसको सेंस करेंगे ये टेस्ट बर्ड टंग पे, जिसमें सावर स्वीट है कि तीखा है, सॉल्टी है, किस तरह का टेस्ट है फूड का, वो कौन सेंस करेगा,
टंग जो है, टंग उस पर जो सेंस टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो सेंस करेंगे ये चीज़, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो स्मेल को सेंस करेगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, नोज जो है वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ह्यूमन बींग का जो, या सॉरी क्लास मैमेलिया का जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है मैमेलिया में वो वेल डेवलप्ड ब्रेन है, यहाँ पर मैमस में एक वेल डेवलप्ड ब्रेन है, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स भी होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं ताकि विज़न अच्छा होता है इनका, और बहुत सारे मैमल्स हैं जो नाइट में भी देख सकते हैं, रात में भी ये देख सकते हैं मैमल्स। इसके अलावा सेरेब्रम और सेरेबेलम, ठीक है, ये दोनों लार्ज पार्ट हैं, दोनों ही बड़े पार्ट हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम। सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम है, फिर उससे बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरेबेलम। और ये यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो कितनी हैं, 12 पेयर, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं यहाँ, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब करते हैं तो सेक्सिज कैसे हैं बेटा, यहाँ पर सेपरेट है, ठीक है। सेक्सिज सेपरेट हैं, मतलब मैमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कोई भी बाईसेक्सुअल नहीं होता है। इसके अलावा मैमल्स जो हैं बहुत सारे, लगभग सभी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, जिसमें हम दूर से देख के या ऑब्जर्व करके मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल को बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके बाद बेटा मेल्स जो हैं वहाँ पर कोपुलेटरी ऑर्गन है, और कोपुलेटरी ऑर्गन को यहाँ क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और एग जो होते हैं वो एल एसीथल होते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा योक सैक जो है वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आगे फर्दर को डेवलपमेंट जैसे होना है वो नहीं होना है, लेकिन एग में इतना ज़्यादा योक नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा सेक्सो वीवी पैरस होते हैं, कुछ एक को छोड़ कर, कुछ एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कैसे होते हैं ये वीवी पैरस होते हैं, और उसमें भी कौन सा ग्रुप है, प्रोटोथीरियम, जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है। वो हम आगे जब ग्रुप पढ़ेंगे तब आएंगे कि एग लेइंग मैमल कौन से हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस है, ठीक है, और भी हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो हैं मैमल्स। इसके बाद बेटा प्लेसेंटा जो है यहाँ पर वो काफ़ी डेवलप है, और जो जो प्लेसेंटा है उसी से फूड, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है बॉडी में, यूट्रस के जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे जो वेस्ट बनेगा उसको रिमूव करने का भी काम करेगा, और उस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करेगा ये प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अलावा भाई डेवलपमेंट जो होगा इनका वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्लीवेज जो है यहाँ पर वो होलो ब्लास्टिक है। क्लीवेज कैसा है, होलो ब्लास्टिक क्लीवेज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कुछ एक फीचर्स इसमें और भी हैं, यहाँ देखें तो पेरेंटल केयर सबसे ज़्यादा मिलती है मैमल्स के अंदर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो है ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है। तो पेरेंटल केयर भी यहाँ अच्छी डेवलप होती है, और यंग वंस जो हैं उनको मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बनता है उससे उनको नरिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये था अभी तक एनिमल किंगडम के बारे में कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फीचर्स। इसके बाद हम इसमें एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, कल इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।